हैं और आप रोजगार दे नहीं सके। 15 वर्ष बिहार ने आपके हाथों में दिया, तो आपने आप कहाँ है विकास, कहाँ है सुशासन? हाँ, दर दर भटक रहे हैं बच्चे, महिलाएं लूटी जा रही हैं। मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। बिहार में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और विपक्ष बहुत ही आक्रामक है। कल विधायक दल की नेता की मीटिंग हुई थी तेजस्वी प्रसाद यादव के घर पे और उसके बाद रणनीति बनाई गई। तेजस्वी यादव बाहर आते हैं, बयान देते हैं कि नीतीश जी जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा लेते अपने खर्चे पे। हमारे साथ संगीता कुमारी जी हैं, राजद की विधायिका। संगीता जी, कौन ये आप लोग जाति जनगणना पे बोल रही हैं, नीतीश जी भी उसी सुर में बोल रहे हैं, तो फिर मामला फंस कहाँ रहा है? हम लोग चाहते हैं जो भी पेच है, लेकिन हमारी पार्टी चाहती है और हमारे पार्टी एक बार हो बिहार में जातीय जनगणना हो, ताकि वास्तु स्थिति क्या है, जातीय जो वर्गीकरण है समाज का उसमें क्या स्थिति है उसका पता चले। और जब आनाकानी होती है, खर्चे की बात होती है, तो हम सरकार से भी कहा वो अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएं। जातीय जनगणना बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, साथ में ST/ET वाले लोग पिटाई भी खा जाते हैं। विधानसभा में मांग उठाइएगा आप लोग, कुछ बोलिएगा इसके लिए। हम लोगों ने तो चुनाव से पहले ही ये मुद्दे उठाए थे, रोजगार की बात हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया था, 10 लाख युवाओं के रोजगार की बात की। और जिस तरह से सरकार बहुत साजिशन ये इस कुर्सी पर आई है, तो आप देखे होंगे कि अब हम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और विपक्ष मजबूत सवाल खड़ा कर रहा है कि वो बेरोजगारी बिहार जो है बेरोजगारी युवा बेरोजगारी का गढ़ बन चुका है। right. आप देख लीजिएगा यहाँ पर अब जितने अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेकर बेरोजगार युवा घूम रहे हैं और आप रोजगार दे नहीं सके। 15 वर्ष बिहार ने आपके हाथों में दिया, तो आप कहाँ है विकास, कहाँ है सुशासन? हाँ, दर दर भटक रहे हैं बच्चे, महिलाएं लूटी जा रही हैं, बेरोजगारी पराकाष्ठा है, स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, किसानों की स्थिति देख लीजिए। तो फिर तो मांग उठाएंगे सदन में, बात रखिए। बिल्कुल, सदन हमारा मिलेगा आपको भी। मैं निश्चित रूप से आवाज़ हम अपनी बुलंद करेंगे और संघर्ष हमारी पार्टी समाजवादी विचारधारा की को जीवंत करने वाली पार्टी है। उसी विचारधारा की समर्थक महिला विधायक मैं बनी हूँ, तो निश्चित रूप से विधानसभा में इस बार हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और क्या प्रायोरिटी रहेगी? बिल्कुल, जिस तरह से घटना हुई है, जिस तरह से लोग विधानसभा में विधायकों के साथ मारपीट की गई है, हम ये चाहते हैं कि इस तरह की परंपरा न कायम हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगना जरूरी है। चलिए, माफ़ी मांगना जरूरी है। अभ्यर्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए सवाल उठाएंगी और कहा कि हमारे नेता पहले भी उठा चुके हैं। अब आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। यहाँ पर विपक्ष मजबूती से ST/ET मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। हम सवाल पूछ रहे हैं हर लोगों से। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।